हेलो स्टूडेंट्स, इस कविता का नाम है फॉर एन ग्रेगरी और इसके कवि हैं विलियम बटलर गेट्स। कवि विलियम बटलर गेट्स का जन्म 1865 में हुआ था। उन्हें 1923 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी मृत्यु 1939 में हुई। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन में लगभग असंभव है वैसे व्यक्ति का मिलना जो आपसे सच्चा प्यार करता हो। उनका कहना है कि सिर्फ ईश्वर ही हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। इस कविता में कवि एक युवती एन ग्रेगरी से बात करते हैं। कवि उससे कहते हैं कि यदि कोई ऐसा युवक उसे मिलता है जो उसे अस्वीकार करने पर उदास और परेशान हो जाता है, तो इसका अर्थ नहीं है कि उसे उससे सच्चा प्यार है। संभव है वह उसके सुंदर सुनहरे बालों को देख उससे प्यार करता हो। हो सकता है कि उसे उसकी सुंदरता से ही प्यार हो। कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेमी उसे उसकी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके गुणों के कारण ही उसे प्यार करेगा। उनके ऐसा कहने पर एन जवाब देती है कि वह अपने बालों को किसी दूसरे रंग से रंग लेगी। ऐसा करने पर उसका आकर्षण कम हो जाएगा और संभव है फिर उसे अपने लिए एक सच्चा प्रेमी मिल जाएगा। कविता के अंत में कवि उसे बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने किसी धार्मिक व्यक्ति को कहते सुना था कि सिर्फ ईश्वर ही हैं जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। कहने का अर्थ है कि ईश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देख, हमारे अंदर की सुंदरता को देख हमसे प्रेम करते हैं। और यह पहला स्टैंजा है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर फॉर दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो इस कविता में कवि की बात एक युवती एनी ग्रेगरी से होती है। कवि उसे कहते हैं कि वह युवक उदास और परेशान हो जाएगा जिसे वह अस्वीकार कर देगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके दिल में उस युवती के लिए सच्चा प्यार था। वह उसके सुंदर सुनहरे बालों को देख उस पर मोहित हो गया था और उससे उसे प्रेम हो गया था। उसके कानों पर उसके गिरे हुए बाल ऐसे दिखते थे जैसे वे उसके कानों को किसी किले की दीवारों की तरह बाहर से सुरक्षा दे रहे हों। कवि कहते हैं कि युवावस्था में प्रेम प्रायः आंतरिक गुणों को नहीं देख बाहरी सुंदरता को देख कर ही होता है। और यह है दूसरा स्टैंजा, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो इसका अर्थ है, कवि की कही हुई बातों को सुन एन कहती है कि वह अपने बालों का रंग बदल देगी और उसे रंग कर भूरा काला या गाजर जैसे हल्के लाल रंग का कर लेगी जिससे कि उदास युवक सिर्फ उसके लिए उससे प्रेम करें ना कि उसके पीले सुनहरे बालों के लिए। और यह है तीसरा और फाइनल स्टैंसा, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair yesternight, the previous night. तो इस स्टैंजा का अर्थ है कि युवती की बातों को सुन कवि उसे बताते हैं कि पिछली रात एक बूढ़ा धर्मपरायण व्यक्ति बार बार बोल रहा था कि उसे कुछ लिखा हुआ मिल गया था प्रमाणित करने के लिए कि सिर्फ ईश्वर ही आपसे प्रेम करते हैं और आपके सुनहरे बालों से नहीं। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम व्यक्ति के गुणों से होता है, उसके पहनावे या उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं। और दोस्तों, यहाँ पर यह समाप्त होता है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। यदि नहीं किया है और आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए मैं समय समय पर क्वालिटी वीडियोस लेकर आता रहूँगा और आपको भी अच्छा लगेगा और आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे और आपके हाई मार्क्स आएंगे। थैंक यू।